अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मैराथन बैठकें की। इन बैठकों में प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और किन किन संसाधनों की कहां कहां कमी हो रही है, उन कमियों को कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है, खामियों को कैसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सकता है, इसके बारे में आगे की रणनीति बनाई गई और कोरोना से देश एकजुट होकर कैसे लड़ाई लड़े, इसके बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संवाद भी हुआ। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने सभी को विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद की जाएगी और देश इस लड़ाई में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया, किन किन चीजों की उनके राज्य में कमी है इसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों का हल करने का एक विश्वास दिलाया है। इसके साथ ही आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला यह है कि 2 महीने के लिए, मई और जून महीने के लिए, 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत फ्री राशन दिया जाएगा 2 महीने तक। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को हुई बैठकों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं होगा। कोविड 19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण से निपटने में सफलता पाई थी और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि वायरस इस बार कई राज्यों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए साथ मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस लड़ाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और वस्तु स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है तथा साथ ही समय समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दे रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन का भी चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को भेजने और फिर उनकी वापसी में लगने वाले समय को कम करने के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से साथ मिलकर काम करने और दवाइयों तथा ऑक्सीजन संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश में कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है और कई राज्यों में बिस्तरों से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। बैठक में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्रियों से संवाद करने से पहले प्रधानमंत्री ने सुबह 9 बजे एक आंतरिक बैठक की जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया और महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 12:30 बजे देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं से भी बातचीत की। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि वह मई और जून के महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों ने कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को 2 महीने के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जैसा कि पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के दौरान किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इस बात पर जोर है कि देश जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, तब यह जरूरी है कि गरीबों को पोषण सहायता मिले। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि महामारी के प्रभाव को सीमित करने के लिए पीडीएस के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की ही करें तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति राष्ट्रीय राजधानी को की जाए, क्योंकि अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं?